हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एसेसरी लिस्ट डॉट जावा को क्रिएट किए थे। अभी भी इस वीडियो में हम नेविगेशन ड्रॉअर को क्रिएट करने वाले हैं। तो नेविगेशन ड्रॉअर को क्रिएट करने के लिए हमें एक पीडीएफ की ज़रूरत होगी, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम उस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। ये जो आपको पीडीएफ शो हो रही है, यही पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आपको बस इस पीडीएफ के हेल्प से आपको कॉपी एंड पेस्ट करते जाना है। तो इस डिपेंडेंसी को हमें पेस्ट करना होगा। तो आई थिंक ये ऑलरेडी डिपेंडेंसी पेस्ट होती है एंड्रॉइड स्टूडियो में। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये डिपेंडेंसी ऑलरेडी है। इसके बाद अभी ये जो स्ट्रिंग का स्टेप टू दिखाई दे रहा है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा पूरा कोड को। तो कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड हम प्रोजेक्ट में आ जाते हैं एंड वैल्यूज में चले जाते हैं। स्ट्रिंग डॉट एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे एंड जितना भी हमने कोड कॉपी किया था यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये होने के बाद अगेन हम पीडीएफ में आ जाते हैं एंड स्टेप थ्री के तरफ बढ़ते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे नो एक्शन बार शो हो रहा है। तो हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, थीम में चले जाएंगे एंड ये जो थीम डॉट एग्जाम्पल है यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे नो एक्शन बार, जो कि ऑलरेडी है। हमने स्प्लैश स्क्रीन जब क्रिएट किए थे तभी हमने यहाँ पे नो एक्शन बार को इम्प्लीमेंट कर दिए थे। ओके, ये होने के बाद अगेन हम क्रोम में आएंगे। स्टेप फोर में लिखा है क्रिएट अ मेनू रिसोर्स डायरेक्टरी। तो हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में आना होगा, यहाँ पे रिसोर्स पे राइट क्लिक करना होगा, न्यू क्लिक करना होगा, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करना होगा। ओके, एंड यहाँ से हम मेनू को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेनू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हो हमने ये भी स्टेप कंप्लीट कर दी है। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो नेविगेशन मेनू डॉट एग्जाम्पल है इसको हम कॉपी कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम एक लेआउट फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे हमें लेआउट में क्रिएट नहीं करना है, तो जो हमने जो मेनू क्रिएट किया है वहाँ पे हमें क्रिएट करना है। ओके, तो हम आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेनू रिसोर्स फाइल, फाइल नेम कंट्रोल वी कर देंगे जो हमने कॉपी किए थे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये होने के बाद हमें स्प्लिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम कंप्लीटली कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमें यहाँ तक इस कोड को कॉपी करना है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। आपको ध्यान में रखना है कंप्लीटली कोड इसको अच्छे से कॉपी करना है। ओके, इसके बाद हम कंट्रोल ए करेंगे, बैकस्पेस करेंगे, कंप्लीटली कोड रिमूव हो जाएगा। तो मैं अभी कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ पे एरर शो होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वेबसाइट, फेसबुक, रेट, शेयर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सभी के आइकन हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं फोल्डर में आ जाता हूँ तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, फेसबुक, टर्म्स एंड कंडीशन, मोर, प्राइवेसी पॉलिसी, रेट एंड शेयर। इसको कंट्रोल सी करेंगे हम एंड ड्रॉबल में इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली जितने भी यहाँ पे आइकन थे वो पेस्ट कर दिए, बट यहाँ पे हमने वेबसाइट की नहीं की है। तो हम कोई भी एक वेबसाइट का आइकन क्रिएट कर लेते हैं। तो ड्रॉबल में राइट क्लिक करेंगे, न्यू वेक्टर असेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कोई भी वेबसाइट के लिए आइकन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ नेम यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ वेबसाइट एंड नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फिनिश कर देंगे। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में ये जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने वेबसाइट के नेम से यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो आप देख सकते हो कम्प्लीटली एरर रिजॉल्व हो चुका है। अभी हम जाएंगे पीडीएफ में, इसको स्क्रोल करेंगे। यहाँ पे स्टेप सिक्स में लिखा है क्रिएट अ लेआउट ड्रॉवल लेआउट डॉट एग्जाम्पल। तो हमें एक लेआउट क्रिएट करना होगा इस नेम से
तो इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो में चले जाते हैं। ड्रॉवर को क्लोज करेंगे, लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड फाइल नेम में हम एंटर कर देंगे ड्रॉवर लेआउट। ब्लैंक स्पेस से रिमूव कर देंगे हम स्पेस एंड ओके बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने ड्रॉवर लेआउट के नेम से एक्सएमएल फाइल को क्रिएट कर दिया। तो अभी हम कंप्लीटली कोड को कॉपी कर लेंगे, जो भी ड्रॉवर लेआउट का कोड है। तो आप देख सकते हो मैंने कम्प्लीटली कोड यहाँ से कॉपी कर लिया है। मैं कंट्रोल सी से कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए बैकस्पेस एंड ये जो कोड है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने ड्रॉवर लेआउट का कोड पेस्ट कर दिया है। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो अभी एरर भी रिजॉल्व हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरर है इसको रिमूव करने के लिए बैकस्पेस कर देंगे, सिर्फ मेन एक्टिविटी हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ का एरर रिजॉल्व हो चुका है। एंड कलर प्राइमरी डार्क हम बाद में सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिलहाल मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ। तो कलर प्राइमरी मैं अपने मर्जी से लिख देता हूँ, इस कलर को हम कॉपी करेंगे, इसका नेम हम डिफाइन कर देंगे एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कलर प्राइमरी डार्क का कलर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अभी हम जाएंगे ड्रॉवर लेआउट डॉट एग्जाम्पल में, तो अभी ए बी एरर रिजोल्व हो जाएगा। ओके, तो ये होने के बाद अगेन हमें पीडीएफ में जाना होगा एंड यहाँ पे जो स्टेप 7 शो हो रहा है, क्रिएट अ लेआउट न्यू हेडर, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। तो अभी हमने इसको कॉपी कर दिया, लेआउट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड न्यू हेडर के नेम से हम फाइल क्रिएट कर देंगे। ओके, तो जैसे हम न्यू हेडर डॉट एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो ड्रॉवर लेआउट का कम्प्लीटली ये भी एरर रिजोल्व हो जाएगा। तो अभी हम न्यू हेडर डॉट एग्जाम्पल में जाएंगे एंड जो पीडीएफ में कोड दिया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसका कम्प्लीटली कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करेंगे हम एंड स्प्लिट पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल ए बैकस्पेस से रिमूव कर देंगे एंड जो भी कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। इसके बाद अगेन हम पीडीएफ में चले जाएंगे एंड ये जो कोड दिखाई दे रहा है, इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा पेस्ट ऑल कोड, इन समय जो भी कोड यहाँ पे शो हो रहा है वो हमें मेन एक्टिविटी में पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ। तो हम एसेसरी लिस्ट में आ जाते हैं एंड जो कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अगेन हम पीडीएफ में जाएंगे एंड जो भी आर डॉट लेआउट के नीचे जितना भी कोड है उसको कॉपी कर लेंगे। तो मैं कंप्लीटली इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ तक आपको कोड कॉपी करना है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से एंड इसके नीचे आ जाएंगे हम आर लेआउट एस एक्टिविटी एसेसरी लिस्ट एंड कंट्रोल वी सी इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी हमने कम्प्लीटली इसको पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ठीक है, एरर रिसोल्व करने से पहले आपको यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट का यूज़ करना है, क्योंकि हमने ड्रॉवर लेआउट के नेम से एक लेआउट फाइल क्रिएट की है एंड पीडीएफ में भी वही शो किया है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट इंप्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पे हम कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड इस एक्टिविटी में आ जाएंगे। ये जो एक्टिविटी मेन है इसकी जगह हम प्रोवाइड करेंगे एसेसरी लिस्ट की। ओके, तो यहाँ पे जो है एक्टिविटी एसेसरी लिस्ट वही हम प्रोवाइड करेंगे। अगेन हम एसेसरी लिस्ट डॉट जावा में आ जाते हैं
एंड जितने भी एरर है इसको रिजोल्व करेंगे। तो इसको रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बस अल्ट एंटर प्रेस करते जाना है। तो हम प्रेस करेंगे अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, यहाँ पे भी सेम आपको करना है अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। तो सभी में आपको बस अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास करते जाना है। तो यहाँ पे भी एरर शो हो रहा है, तो एट द रेट नोनल के ऊपर भी आपको सेम इंपोर्ट क्लास करना है एंड मेनू आइटम में भी आपको अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास ही करना है। एंड पीडीएफ के हमने सभी स्टेप जो भी थे वो फॉलो कर लिए। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पीडीएफ को। तो हमने कम्प्लीटली कोड क्रिएट कर दिया है नेविगेशन ड्रॉअर का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं एसेसरीज का, एंड यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।